आज हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, इंटरनेट का इस्तेमाल आम हो गया है, व्हाट्सएप और इसी तरह फेसबुक और दूसरी चीज़ों पर आजकल तो व्हाट्सएप की बड़ी बड़ा दौर दौरा है और बड़ी तेज़ी के साथ खबरें इधर से उधर होती हैं। हदीसें आती हैं बगैर हवाले की, हदीसें कभी हवाले के साथ भी आती हैं, हदीस नंबर भी होता है, लेकिन वो हदीस न उस जगह होती है न उस नंबर पे होती। कई मरतबा चेक किया है कई चीज़ों को, तो ऐसी हदीसें ऐसे पैगामात जिन वो बग़ैर हवाले के हों और हवाले के साथ भी हों, जब तक आप किसी से उसकी तस्दीक न कर लें कि हवाला दुरुस्त है कि नहीं, उसे आगे न पहुंचाएं। इसी तरह बाद मैसेज ऐसे आते हैं कि फला जगह ये हो गया है, मुसलमानों के साथ ये ज्यादती हो रही है और किसी को खबर नहीं है, आप इस मैसेज को जितना जल्दी हो फॉरवर्ड करें, सारे लोगों को बता दें। अब आदमी लगा हुआ है, इसको भेज उसको भेज, और जब तलाश करते हैं हकीकत पता चलता है कि कुछ भी नहीं। तो इस तरह के वाकयात भी होते हैं, ये कौम को गुमराह करने की बात है और बिला वजह इश्तियाल पैदा करने की बात है। अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को हुक्म दिया है, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबयनू, कोई फासिक कोई खबर लेकर आए तुम्हारे पास तो उसकी तहकीक कर लिया करो, उसके बारे में मालूमात किया करो। हमें अल्लाह ने तहकीक का हुक्म दिया है कि खबर कोई आए कहीं से आए उसकी मालूमात करो। अब एक मैसेज आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वोटिंग हो रही है कि दुनिया में एक नंबर का आदमी कौन है, और मुसलमान जल्दी जल्दी वोटिंग करें। बताइए आप, अब लोग लगे हुए इस पैगाम को आगे भेजने के सिलसिले में। मेरे भाई, ये तौहीन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वोटिंग करेगा जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब किया, जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब किया है उन्हें अब दुनिया वाले मुंतखब करेंगे, ये दुश्मनों की साजिश है। ऐसे किसी मैसेज को फॉरवर्ड ना करें बल्कि रद्द कर दें। अच्छा, ये भी नहीं पूछता कोई आदमी कि इसको सबसे पहले किसने भेजा है और कहां से ये आया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इससे कहीं ऊंची है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, वोटिंग की जरूरत ही नहीं है। यह हमारा ईमान है, हमारा अकीदा, वोटिंग की कतन जरूरत नहीं है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आपसे बड़ा कोई नहीं क़यामत तक, आपसे बड़ा मकाम किसी का नहीं, बड़ी फजीलत वाला कोई नहीं, कोई नहीं है, अल्लाह के बाद आपका मकाम है। तो वोटिंग की जरूरत ही नहीं है इस पर, यह साजिश है दुश्मनों की। इसी तरह इस्लाम के लिए वोटिंग होती है, इस्लाम अल्लाह का नाजिल किया हुआ दीन है, इसके लिए वोटिंग की जरूरत नहीं। अल्लाह ने फरमा दिया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है, वोटिंग की जरूरत नहीं, कोई वोटिंग नहीं, अल्लाह का दीन है, अल्लाह का मुंतखब किया हुआ दीन है और कयामत तक के लिए है, इससे आला और अरफा दीन कोई नहीं। और इसके अलावा तमाम अदियान बातिल हैं, तमाम अदियान बातिल हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यबतगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक्बल मिन, इस्लाम के अलावा कोई और दीन कबूल करोगे अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं, अल्लाह उसे कबूल नहीं करेगा। तो दीन के लिए वोटिंग और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वोटिंग, ये कतई तौर पर जायज नहीं है और इन चीज़ों में हिस्सा लेना, मुसलमानों को बचना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, व्हाट्सएप पर कोई भी दीनी बात हो बगैर तहकीक के उसे आगे पहुंचाना, ये किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाया। कुल कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफुर रहीम।